नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। एक ऐसा व्यक्तित्व जो इस समय प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हर समय कुछ न कुछ करके युवाओं और आम जनता को चौंकाते रहते हैं। आज ऐसा ही कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन भरते समय किया और पीएम मोदी के नामांकन में एकजुटता दिखाने के लिए एनडीए के सभी नेता भी शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि वाराणसी की संसदीय सीट से पीएम मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रोड शो किया था, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, देश हित के अलावा किसी और हित की नहीं सोचूंगा। चाहे वह पुलवामा का संकेत हो, उरी की घटना हो या फिर मेरे जीवन का अन्य कोई पल, मेरा एक ही मंत्र है और वही मंत्र लेकर के जिया हूँ, यानी इंडिया फर्स्ट। पीएम ने कहा कि काशी ने मुझे सिर्फ एमपी नहीं बल्कि पीएम बनने का आशीर्वाद भी दिया। मुझे 130 करोड़ भारतीयों के विश्वास की ताकत दी है। पीएम नरेंद्र मोदी के चार प्रस्तावकों में वाराणसी के दाह संस्कार करने वालों के प्रमुख जगदीश चौधरी, मदन मोहन मालवीय की मुंबेली बेटी अन्नपूर्णा शुक्ला, कृषि वैज्ञानिक रामशंकर पटेल और आरएसएस कार्यकर्ता सुभाष गुप्ता भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह अदा बताती है कि आज भी भारतीय संस्कृति में चाहे ओहदा कितना ही भी बड़ा हो, महापुरुषों और बुजुर्गों के आगे भारतीय संस्कृति को मानने वालों के मस्तक हमेशा नतमस्तक रहते हैं। ऐसा केवल भारतीय संस्कृति और परंपरा में देखा जाता है। किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बुजुर्गों, खासकर अपनी माता का आशीर्वाद लेने जरूर जाते हैं। लेकिन इस बार वे अपने नामांकन से पहले कुछ दिन पहले अपनी माँ से तो जरूर मिले थे, मगर आज शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल के पैर छू करके उन्होंने साबित कर दिया कि मैं भारतीय मूल का हूँ, परंपरा मेरे खून में है और यही वो विचार है जो उन्हें आगे बढ़ने में प्रेरित करता है। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की खास रिपोर्ट।